फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने अपनी सर 10th तक की एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल डगर से करी है। उसके बाद सर मैंने अपनी 12th जो है वो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से करी है। मैंने सर अपनी बीई डिग्री अपनी योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू से करी है। सर हॉबीज में मेरे सर कर लेते हैं और सर क्रिकेट देखना खेलना। When you graduate? सर मैं 2017 का पास आउट हूँ। After that, what you did? सर उसके बाद मैं प्रेपरेशन कर रहा था एग्जाम की, और फिर सर 2018 वाली नोटिफिकेशन में आरआरबी जेई के लिए अप्लाई किया था, और 2020 से मैं आरआरबी जेई के में काम कर रहा हूँ सर, एज अ जूनियर इंजीनियर सर। ओके, यू आर वर्किंग एज अ जूनियर इंजीनियर इन आरआरबी, राइट? जी सर। सो व्हाट इज योर वर्क देयर? जी सर, व्हाट इज योर वर्क देयर? सर वहाँ पे हमारा काम मेनली मेंटेनेंस का रहता है सर, डेली मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस रोड का या बिल्डिंग का? नहीं सर, वहाँ पे अपना रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस रहता है सर ज्यादा। तो रेलवे ट्रैक में मेंटेनेंस आप किसका कर रहे हो? रेल का टेक केयर कर रहे हो, स्लीपर की टेक केयर कर रहे हो, या ब्लास्ट की टेक केयर कर रहे हो, या आप एम्बैंकमेंट की टेक केयर कर रहे हो? सर उसमें सब कुछ आ जाता है, जहाँ नीड बेसिस पे अगर ब्लास्ट में कोई दिक्कत है या रेल में दिक्कत है तो वही चीज मतलब इंस्टेंटली उसको जो अटेंड करेंगे सर। ये क्रो बार क्या होती है? क्रो बार सर हमारी एक जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, ये रेल को बेंड करने के लिए होती है सर। रेल को बेंड करने? जी सर। ओके, क्रीप इंडिकेटर क्या होता है? क्रीप इंडिकेटर सर हमारी जो रेल होती है सर वो उसमें ना सर जैसे ट्रेन चलती है जो लोकलाइज एरिया से जहाँ मतलब ब्रेक लगती है या एक्सेलरेट होता है वहाँ पे सर, उसकी वजह से वो रेल जो है वो आगे पीछे खिसक जाती है सर लॉन्गिट्यूडनली सर, तो उसको मेजर करने के लिए सर क्रीप इंडिकेटर यूज करते हैं सर। कैसा होता है सर? एक्चुअली मैंने देखा नहीं है सर फील्ड में, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा सर। और आपने आज तैयार किया सवाल, राइट? जी सर। ओके, अब मान लो जैसे आप कार्यरत हो आरआरबी में और अभी रेलवे का कोई एम्बैंकमेंट तैयार किया जा रहा है, उसकी आपको डिग्री ऑफ डेंसनेस चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे? सर डिग्री आप क्या चेक करेंगे सर? डेंसनेस। आपको स्क्रीन विजिबल है? सुनिए जी सर। हाँ, डिग्री ऑफ डेंसनेस चेक करनी है, कैसे चेक करोगे? जी जी सर, डेंसनेस के लिए हम तो एक तो उसका सर यूनिट वेट मेजर करेंगे सर, ड्राई डेंसिटी। जी 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 सर। कैसे दूसरा सर इसकी रिलेटिव डेंसिटी चेक कर सकते हैं सर। ड्राई डेंसिटी कैसे मेजर करोगे? ड्राई डेंसिटी के सर वैसे तो अपने दो तीन मेथड हैं सर, कोर कटर मेथड हो गया, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, वो सब मेथड हैं इसके सर। एग्जैक्टली रेल में सर कैसे करते हैं वो देखा नहीं सर कभी, अभी पढ़ा भी नहीं कभी सर। पढ़ा तो है मतलब उसमें सर, उसमें से एक वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम निकालेंगे पहले, तो उसका सर वेट करेंगे, और जो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए सर हम या तो उसमें वाटर बैलून का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक शीट बिछा के तो उसके ऊपर वाटर फिल कर देंगे, वहां से उसकी वॉल्यूम पता चल जाएगी सर, वहां से उसकी जो डेंसिटी निकल सकती है सर। वाटर की जगह सर सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी सर। अच्छा, जो कोर कटर हम 40, ये जो हमारा कोर कटर मेथड है, ये अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रहा है तो कौन सी डेंसिटी है? बल्क डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी है, सैचुरेटेड डेंसिटी है, व्हाट डू यू थिंक? सर ये एक्चुअली हम फील्ड में करेंगे, ये जनरली सर ड्राई और क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है सर, सैंडी सॉइल के लिए। तो उसमें सर अगर हमारी गीली सैंड है, सैंडी सॉइल के लिए होता है कोर कटर, सैंडी सॉइल के लिए नहीं यूज कर सकते सर, सैंडी सॉइल के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, सॉरी सर। तो इसमें सर हम बल्क डेंसिटी फाइंड करते हैं सर। बल्क डेंसिटी जी। अच्छा, आपने बल्क डेंसिटी निकाला, फिर आप उस बल्क डेंसिटी को ड्राई डेंसिटी में कैसे चेंज करोगे? सर बल्क डेंसिटी को हम ड्राई डेंसिटी में थ्योरेटिकली तो ऐसे कर सकते हैं कि ड्राई डेंसिटी इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट सर। उसका उसके लिए सर वाटर कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, हम वहां से ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं सर।
और आपको साइट पे ही सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? साइट पे सर अगर निकालना होगा तो वाटर कंटेंट सर, सर वहां पे हम एक कैल्शियम कार्बाइड करके मेथड आता है सर, वो फील्ड में वो इस्तेमाल कर सकते हैं सर, उसमें एसिटिलीन गैस बनती है और वो प्रेशर के साथ कोरिलेशन करके तो उससे सर फाइंड कर सकते हैं। और मान लो अगर कैल्शियम कार्बाइड नहीं है हमारे पास, जी सर फिर क्या करोगे? अपने पास होती है सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर, तो इसको सर फील्ड में मेजर करने का सर मेथड सर नहीं मालूम सर, तो सर कंपैक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें से निकाल सकते, लेकिन कंपैक्शन से सर अपना यूनिट वेट ही निकल सकता सर एनसी पे। अच्छा, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? सर कंपैक्शन में हमारी जो वॉल्यूम रिड्यूस होती है और कंसोलिडेशन में भी सॉइल की वॉल्यूम रिड्यूस हो सकती होती है। मेन डिफरेंस सर ये रहता है कि कंपैक्शन में हमारी ज्यादा जो वॉल्यूम रिडक्शन होती है वो एयर की वजह से होती है, जो कंसोलिडेशन में सर हमारी जो वॉल्यूम ज्यादा रिडक्शन होती है वो ड्यू टू वाटर एक्सपल्शन होती है सर। ओके जी सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सॉइल मास में जो वाटर प्रेजेंट है वॉइड्स के अंदर उसको हम पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं? सर पूरी तरह से एक हाइड्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है सर, वो नॉर्मली हम अगर उसको ड्राई करते हैं सॉइल को तो वो रहता है, उसको सर निकालने के लिए हमें ओवन ड्राई करते हैं हम जैसे वाटर कंटेनर निकालते हैं नॉर्मली, अगर सर उसको ड्राई करेंगे तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो रह जाएगा सर। अच्छा, ये जो मेरा ओवन ड्राई मेथड है इसमें टेम्परेचर रेंज कितना होता है जब हम सॉइल को हीट कर रहे होते हैं? सर 105 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक सर रहता है सर। और क्या होगा अगर हम टेम्परेचर 110 डिग्री से ऊपर कर देंगे? सर अगर हम 110 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कर देंगे तो एक तो सॉइल का कलर चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, दूसरा सर आई गेस इसमें से जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो भी एवेपोरेट होना, वो भी सर निकल जाएगा सर। कभी देखो ऐसा? सर टेस्ट किया था कॉलेज टाइम में तो वो तो 105 से 110 डिग्री तक ही रख के तो किया था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर हो फिर सॉइल किस तरह से दिखती है, क्या बिहेवियर है, दोनों का सेम मिला हुआ क्या? नहीं सर एक्चुअली नहीं करके देखा सर ऐसा। ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। सो सी सुनील, अभी देखो एक तो आपको अपने उसके बोलने के स्टाइल के ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना? जी सर। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, सो आई आस्क यू कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए मेथड, आपने बोला कैल्शियम कार्बाइड यूज कर सकते हैं। जी सर। नहीं, कैल्शियम कार्बाइड आप सीधा बोलो कि सर एक तो कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट है जी सर जो आपको याद है, दूसरा टेस्ट नहीं याद है कोई इशू, कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट सर यूज किया जाता है फील्ड में, सैंड बाथ मेथड होता है जो यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड है इंडिया में। जी सर, सैंड बाथ सर याद है सर, बिल्कुल सर, अभी हम रेलवे में सैंड बाथ ही यूज कर रहे हैं और दोनों यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट, कैल्शियम कार्बाइड और सैंड बाथ मेथड। ठीक सर। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि सर अभी मुझे बाकी मेथड अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। जी सर। ठीक है, अब आते हैं स्टार्टिंग से, आप जैसे आरआरबी में वर्किंग हो तो डेफिनेटली वो आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे आप क्या करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए ना रेलवे इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली चीज। ठीक सर, आप रेलवे से स्टार्ट करो अपना। जी सर। रेदर देन गोइंग विद सॉइल आप रेलवे से स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक सर। और क्रोबार जो हम रेल को लिफ्ट करने के लिए हल्का सा हमें लिफ्ट करना जी सर, इसमें सर दो चीजें, एक क्रोबार और एक और बार आती है जो बेंड, एक बेंड करने में यूज होती है, एक लिफ्ट करने में यूज होती है सर। जी जी। ठीक है, जैसे वो नेल निकालने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं ना। जी 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 जी। वो नाम इनके सर देखिए, क्रो मतलब नाम में कंफ्यूजन है सर, एक बेंड के लिए यूज करते हैं और एक इसके लिए, तो उसमें। और मैं आपको क्रीप इंडिकेटर का फिगर भेजता हूँ, आपने कभी ना कभी देखा होगा ट्रैक पे, क्या कहते हैं हम रेल गाड़ देते हैं, ये रेल गाड़ा होता है लगभग। ठीक है, ये कुछ ही हाइट के ऊपर होता है और इसका जो ये लेवल होता है ना, ये जो लेवल होता है ये हमारा जो रेल यहाँ पे जा रहा होता है इसके लेवल के बराबर ही होता है, दूर लगा होता है ट्रैक से। जी सर। जैसे मान लो यहाँ पे
ट्रैक है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये ब्लास्ट में गड़ा हुआ है ऐसे, जी सर और यहाँ पे ये ज्वाइंट ही होता है, फिश जी प्लेट सर वगैरह लगी होगी। अब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि रेल मेरा कितना खींच रहा है यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में। सर एक चीज इसमें मैं पूछना चाहूंगा सर, हमारा LWR ट्रैक होता है उसमें सर SCJ के 71 या 81 मीटर पे एक वो लगी होती है सर, ये रेल गड़ी होती है सर, वो आपका क्रीप इंडिकेटर है फिर। अच्छा वो क्रीप इंडिकेटर ही है सर। हाँ, जहाँ भी आपका स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है ना, जी 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 हम वहीं पे बेसिकली होता है। और LWR का आपसे वो वैल्यू भी पूछ सकते हैं कितना आप लेके चल रहे हो अभी। सर 250 मीटर सर LWR मिनिमम लेंथ, और SWR की सर 39 मीटर। जी सर ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ पहले आप अपना वर्किंग वाला तैयार करो, फिर आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज। ड्राई डेंसिटी को मेजर आप करोगे, ये सही था कि डेंसिटी अगर मुझे मेजर करना है सो आई विल मेजर द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये ड्राई यूनिट वेट आप बोलो। तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट के साथ चलो, रिलेटिव डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, तो आप पहले इसको आंसर करो कि सर मैं ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा फील्ड के बाहर। तो आप बोलोगे सर ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जैसे यहाँ पे मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है SRM स्मॉल एब्रिविएशन। जी सर कोर कटर मेथड है, बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले डेस्ट इंडिया में। आप ये बोलो सर इन मेथड से हमें सॉइल की बल्क डेंसिटी मिलती है या बल्क यूनिट वेट मिलता है। अब मैं उस बल्क यूनिट वेट का उसी सॉइल का मैं वाटर कंटेंट निकाल लेता हूँ साइड के ऊपर, जो मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया कैल्शियम कार्बाइड और सैंड बाथ मेथड। ठीक सर, और करना कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट से जो हमें वाटर कंटेंट मिलता है उस पर हमें करेक्शन लगानी पड़ती है क्योंकि वो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं होता। जी सर, वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में होता है। जी सर वेरी गुड, और यहाँ पे हम डायरेक्टली वो रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। जी जी फाइन, फिर आप बोलो कि सर मैंने जो मॉइस्चर कंटेंट निकाला मैं अपना ये वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन मेथड चेक करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग में मुझे करेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है मैं डिसाइड करूंगा, आफ्टर दैट आई विल कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी। जी सर, ड्राई डेंसिटी जैसे मुझे मिल जाएगा सर यहाँ पे हम रिलेटिव कंपैक्शन फील्ड ड्राई डेंसिटी FDD अपॉन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD जो सर हमें लैब में मिलती है, ये दोनों का रेशियो होता है। और रेलवे में ये जो अभी हम जो DFCC में लेके चल रहे हैं ये 98% है सब ग्रेड के लिए। ठीक है, रेशियो होता है MDD तो हमें गिवन हो गए तो लैब से आएगी, फील्ड भी हम ये चेक कर रहे होंगे ऊपर वाला फैक्टर, दोनों का रेशियो ही करना है। जी सर फाइन, और बाकी मैंने आपसे ये पूछा कि वाइड रेशियो कैसे मेजर किया जाता है। देखो मैम वाइड रेशियो अगर आपने बच्चे गामा डी मेजर कर लिया, सुनील आपने गामा डी मेजर कर लिया, देखो गामा डी आपने प्रैक्टिकली मेजर किया है, टेस्ट आपने किए हैं। जी सर ठीक है, अब मैं गामा डी को ना कुछ ऐसे फॉर्मूला वाइज भी लिख सकता हूँ, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E या रो थ्योरेटिकल रिलेशन से निकाल सकते हैं। जी सर, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1+E, ये जी ये तो मटेरियल का यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, रो डब्ल्यू आपको पता है, ये रो डी आपने निकालनी यहाँ से वर्ड ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। मैं इमेजिन कर रहा था कि डायरेक्ट इसके लिए कोई टेस्ट स्पेसिफिक कोई भी टेस्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल रिलेशन से हां ऐसे निकलता है, देयर इज नो टेस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्ड रेशियो। जी सर ठीक है। जी सर, और कंपैक्शन और कंसोलिडेशन आप बेसिक से चलो ना कि सर कंपैक्शन क्या है, एक शॉर्ट टर्म लोडिंग लगा और इससे सॉइल मास में जो एयर वॉइड्स में प्रेजेंट थी वो बाहर निकली, मतलब इंस्टेंटेनियस सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए, और लोडिंग ये डायनेमिक लोडिंग होती है। जी लेकिन कंसोलिडेशन में सर हम एक लॉन्ग टर्म लोडिंग लगाते हैं, स्टैटिक लोड लगा के रख देते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल मास के वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। जी सर ठीक है, वॉल्यूम दोनों में ही चेंज होगा लेकिन फर्क है। कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप कंसोलिडेशन में यहाँ पे कोई लोड लगाओ एकदम से और पानी बाहर निकल जाए। जी सर, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का भी एक जिक्र आएगा कि सर यहाँ पे फ्लो लैमिनार कंडीशन में होना चाहिए, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से कम रहती है। जी सर फाइन, तो इस तरह से आप चीजों को थोड़ा आंसर रिपोर्ट करो, राइट। जी सर।